हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का यह वीडियो क्लास फोर के बच्चों के लिए मैथ से है। आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 7D पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें दिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ ईच, जो इसमें दिए गए हैं 5, 6, 7। आप देख रहे हैं ना, डी में 8 दिया गया है। तो इसका क्या करना है कि 12 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मल्टीपल्स के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, मैंने पहले ही बताया है। ये जो 5 का मल्टीपल्स है, क्या करना है, 5 के टेबल जो है लिखने हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 5 इक्वल टू क्या क्या इसका होगा 5 का मल्टीपल्स। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, ये 12 अंक हो गए। ये 12 जो है ये 5 का मल्टीपल्स हुआ। मल्टीपल्स का मतलब पहाड़ा से है, पहाड़ा पर जानते हैं ना, वो पहाड़ा 5 का लिख दीजिएगा, ये मल्टीपल्स हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये बी में देखिए 6 का मल्टीपल्स कह रहा है, तो ये 6 का भी आप लोग इसी तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 6 इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 और 72। इस तरह से ये 12 मल्टीपल्स हो गए। इसमें का बाकी क्वेश्चन जो है 8, 9, 10 का मल्टीपल्स आप लोग भी इसी तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच कह रहा है, तो 15 का भी मल्टीपल्स लिखना है। कैसे बच्चों, सेम उसी तरह से जैसे 15 का मल्टीपल्स लिखना है तुमको, तो 15 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 15 का टेबल हुआ वही, उसी तरह से 15, 30, 45, 60 यानी 15 का पहाड़ा जो है लिखते जाना है, 75 ये इसका मल्टीपल्स हो गया। कैसे, एक बार और सुन लीजिए बढ़िया से, 15 का मल्टीपल्स लिखना है तो 15 लिख दीजिए, उसके बाद 30 लिख दीजिए, 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 75। इस तरह से 5 मल्टीपल्स इसके हो गए। 16 का लिखना है तो 16 का भी उसी तरह से टेबल आप लोग को याद है ना, लिख दीजिए 16, 32, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे 48, 64, 80, 80, 80। इस तरह से आप लोग इसका भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन सर्किल द मल्टीपल्स ऑफ 4 इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स। यानी इसमें क्या कह रहा है कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स में क्या करना है, 4 का मल्टीपल्स जो है उसको घेर देना है। तो 4 में कौन कौन आते हैं अंक देखते हैं। ये 8 आता है, इसको घेर दीजिए, 12 को घेर दीजिए, 16 को घेर दीजिए, 20 को घेर दीजिए, ये 24 को घेर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये 4 के टेबल में ये सब अंक आते हैं, ये बाकी सब नहीं आता है। इस तरह से यहाँ देखिए, इन सर्किल द मल्टीपल्स ऑफ 7, इसमें 7 का जो मल्टीपल्स है उसको घेर देना है, 7, 21, 28, 35, ये 7 के मल्टीपल्स हैं। इसके बाद देखिए, इन सर्किल द मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स को घेरना है इसमें, तो यहाँ 12, 24, 36, 48, 60, 72 ये इसके मल्टीपल्स हो गए। उसके बाद कह रहा है कि लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 8 लाइंग बिटवीन 39 और 65। 39 और 65 के बीच में जो भी मल्टीपल्स आते हैं 8 के, उनको लिखना है। तो 39 और 65 में कौन कौन आएगा बीच में बच्चों, तो 39 के बाद 40 आ जाएगा, 40 आता है ना 8 के टेबल में, 40 के बाद क्या आ जाएगा, 48 आएगा, इसके बाद 56, इसके बाद तो 64 हो जाएगा। तो किसके किसके बीच में लिखना है, ये देखिए 39, 64 के बीच में, तो 39 बाद क्या आता है, 40 आएगा, ये 40, 48, 56 और 64, ये इसके मल्टीपल्स होंगे बीच में आने वाले। इसी तरह से हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 11 आर देयर बिटवीन 60 एंड 100। तो 60 और 100 के बीच में कौन कौन से मल्टीपल्स आएंगे 11 के, उसको लिखना है। तो 11 का मल्टीपल्स, 11 का आप लोग टेबल पढ़े हैं ना, 11 66, तो 66 से ये स्टार्ट होगा, 66
66 के बाद क्या जाएगा 72, इसी तरह से आप लोग 62 और 100 के बीच में जितने भी 11 के मल्टीपल्स हैं लिखना है 99 तक। तो क्या क्या आएगा ये देख भी लीजिए, 66 आएगा, 66, 77, 88 और 99 इसके मल्टीपल्स होंगे 11 के। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा, इसको बढ़िया से सुनिए, रिवीजन करिए। धन्यवाद।